लुक एट दिस, ये स्टेन पूरा जो मेरा ये जो लिपस्टिक स्वॉचेस थे ना सारे स्मर्ज हो गए एंड इट्स ऑन माई क्लोथ ऑन माई टॉप. रियल स्ट्रगल ऑफ शूटिंग अ वीडियो. अगर आप एक मेल मेरे व्यूअर हैं और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप इसे देख सकते हैं क्योंकि फिर आप अपने सिस्टर के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, आप किसी के लिए, अपने वाइफ के लिए इन लिपस्टिक्स को गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक्स है. इनफैक्ट अच्छे खासे ब्रांड्स के सारे लिपस्टिक्स है. तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है लिपस्टिक्स के बारे में तो आप इस वीडियो को एज अ गाइड भी देख सकते हैं. तो हे गाइज, हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब? मैं हूँ शाइनी. आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अफोर्डेबल लिपस्टिक्स हॉल. मतलब सारे लिपस्टिक्स 200 के नीचे है. आई मीन मोस्ट ऑफ द लिपस्टिक्स आर जस्ट अंडर ₹100. सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इस वीडियो में न्यूड लिपस्टिक्स भी शेयर करने वाली हूँ आपको. पिंकिश टोन में, रेडिश टोन में, इंडियन वेयर के साथ जो लिपस्टिक्स अच्छे जाते हैं, मैं सारे लिपस्टिक्स, पार्टी वेयर लिपस्टिक्स, डेली वेयर लिपस्टिक्स जो भी मेरे पास कलेक्शन में है तो मैं वो सब शेयर करने वाली हूँ. सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो जो फर्स्ट लिपस्टिक है विच इज माय करंट फेवरेट लिप शेड क्योंकि वो लिपस्टिक है फ्रॉम द ब्रांड CAL कालोस एंजेलिस. तो ये है उसकी पैकेजिंग. आई मीन द पैकेजिंग लुक्स सो क्लासी और इसका जो शेड है वो करेंटली मैंने वेयर भी किया है. ये काफी पार्टी सा एक बहुत ही खूबसूरत सा लिप शेड है जो न्यूडिश है येट काफी ज्यादा डार्क है. मैंने स्मोकी आई, काफी हद तक स्मोकी आई किया है तो इसके साथ ये अच्छा जा रहा है. आप अगर एक विंट आईलाइनर कर रहे हैं उसके साथ भी अच्छा जाएगा. डेली वेयर के लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है. अगर आप आई मेकअप हेवी करते हैं तो ये पार्टी के लिए भी परफेक्ट रहेगा. प्राइस है इसका, प्रिंटेड प्राइस है ₹260 बट आपको ये ₹100 ऑफ में मिल जाएगा. आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकते हैं तो आपको ये 150 या 180 के आसपास डेफिनेटली मिल जाएगी. बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला है. मैट लिपस्टिक है लेकिन लिप्स को ड्राई भी नहीं बनाता. सो या दिस इज माई करेंट फेवरेट लिपस्टिक. नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो सारे NYB के लिपस्टिक्स है मेरे पास क्योंकि मैंने काफी सारे NYB से शॉपिंग की है. NYB अगर आपको नहीं पता तो वो एक पर्पल एक्सक्लूसिव ब्रांड है. पर्पल वेबसाइट से आप NYB लिपस्टिक्स को परचेज कर सकते हैं. पर्पल एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक वेबसाइट है. वहां पर आपको सारे ही जेन्युइन और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऐसा कोई डुप्लीकेट से नहीं है. तो आप पर्पल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से परचेस कर सकते हैं. तो मेरे पास अभी करेंटली ये सारे हैं, बाकी सब मुझे ढूंढना पड़ेगा तो उतना ज्यादा टाइम नहीं था. तो अभी मेरे पास फिलहाल 4 लिपस्टिक्स है. तो एक है NYB जो शेड नंबर 1 है, वो एक न्यूडिश काइंड ऑफ शेड है. जैसे मैंने ये लगाया है ऐसा ही शेड है लेकिन बहुत ही लाइट शेड है. तो ये डस्की स्किन टोन के लिए भी अच्छा रहेगा और फेयर स्किन टोन के लिए भी अच्छा रहेगा. सारे ही शेड्स बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है. नेक्स्ट है शेड नंबर 4. शेड नंबर 4 है थोड़ा सा ग्लिटरी सा है, इसमें छोटे छोटे ग्लिटर्स है तो आप इसे एज अ ब्लश इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पिंक कलर में है बट ये थोड़ा सा ग्लिटरी सा है तो ये ना बहुत ही फेयर स्किन टोन के लिए अच्छा रहेगा. नॉर्मल या डस्की स्किन टोन के लिए उतना अच्छा इसे वर्क नहीं करेगा लेकिन अगर आप एज अ ब्लश इसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है क्योंकि मैं इसे एज अ ब्लश ही इस्तेमाल करती हूँ. और मेरे चीक्स पर ना एक थोड़ा सा ग्लिटर जैसा जो कि नेचुरल ग्लो भी लगता है, एट द सेम टाइम बहुत ही हल्का सा नेचुरल ब्लश का कलर देता है ये. तो ये सारे ना सुपर मैट कलेक्शन में से है, NYB सुपर मैट कलेक्शन. इसका प्रिंटेड प्राइस है ₹150 लेकिन मुझे ये बाय वन गेट वन ऑफर में मिल गया. मतलब एक लिपस्टिक का ₹75 हुआ. तो अगर आप मेरे पर्पल हॉल नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगी, आप यहाँ पर क्लिक करके मेरा पर्पल हॉल वीडियो भी चेक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो शेड है वो भी NYB सुपर मैट कलेक्शन से ही है. ये है एकदम मरून काइंड ऑफ कलर, रेडिश मरून, जो एकदम इंडियन और ब्लैक ड्रेस के साथ आप वेयर कर सकते हैं, इंडियन ड्रेस के साथ आप वेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट वेडिंग के लिए भी काफी अच्छा है. ये है शेड नंबर 9. इसका जो नेम है वो है फैब्यूलस फिन मैन 9 और ये बहुत ही खूबसूरत शेड है. मैं जब न्यूज रीडिंग के लिए जाती हूँ तो मैं इसी शेड को वेयर करती हूँ क्योंकि फिर कैमरा में ये काफी ब्राइट एंड बहुत ही खूबसूरत दिखता है. नेक्स्ट शेड इज माई ऑल टाइम फेवरेट शेड, दिस इज शेड नंबर 6 जो कि है शिक कमेला. ये शेड डेली वेयर के लिए परफेक्ट है. बहुत ही खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर है बट अगर आपकी बहुत ही ज्यादा डार्क कम्प्लेक्शन है तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, आपके लिए ये परफेक्ट नहीं रहेगा. ये फेयर टू मीडियम
स्किन टोन के लिए अच्छा रहेगा, डेली वेयर के लिए भी अच्छा है, एकदम नेचुरल। ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया है, ऐसा लगता है कि आपका नेचुरल ही पिंक लिप्स है। सो या दिस इज अनदर वन। और ये सारे लिपस्टिक्स ना काफी हद तक मैट है, स्मच प्रूफ नहीं है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, मैट है, और अगर ये चला भी जाता है फिर भी एक हल्का सा कलर छोड़ जाता है जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल दिखता है। नेक्स्ट मेबेलिन जो क्रीमी मैट रेंज है उससे मैं दो लिपस्टिक्स शेयर करूंगी, क्योंकि इसका जो बड़ा वर्शन है ना वो सेम शेड का है, तो मैंने छोटा वाला ले लिया क्योंकि बड़ा वाला हमेशा मेरे बैग में रहता है। सो दिस इज द बेस्ट सेलर ऑफ मेबेलिन क्रीमी मैट, क्योंकि ये है टच ऑफ स्पाइस 660 शेड, और ये सारे लिपस्टिक्स ना मुझे 50% ऑफ में मिला है, विच मीन्स कि इसकी जो प्राइसेस है वो है 300 रुपीज, बट मुझे 150 रुपीज में सारे मिल गए। नायका पे, पर्पल पे हमेशा सेल होते रहते हैं इस तरीके का, बाय वन गेट वन, या फिर 50% ऑफ ऑन मेबेलिन लिपस्टिक्स, फ्लिपकार्ट से भी आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये 631 मिस्टीरियस मौका, मैंने ये अपने काफी सारे वीडियोस में इसे वेयर किया है, एंड आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस की कि ये कौन सा लिप शेड है, कौन सा लिप शेड है, ये है ये वाला, क्योंकि ये बट ये ना मुझे जब मैं कैमरा पे होती हूँ तो कैमरा में ये काफी खूबसूरत दिखता है, बट इन रियल लाइफ जब मैं इसे नॉर्मली पहनती हूँ तो उतना ज्यादा ये अच्छा नहीं दिखता मेरे स्किन पर, बहुत ही डल लगता है। बट ये फेयर स्किन टोन, काफी ज्यादा फेयर स्किन टोन के लिए अच्छा है। अगर आप कोई डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं तो उसे टोन डाउन करने के लिए ये लिप शेड काफी अच्छा है। नेक्स्ट जो मैंने कहा था कि मेरे पास टच ऑफ स्पाइस का ये बड़ा वाला वर्जन है, तो ये है वो वाला, और इसको मैंने काफी हद तक इस्तेमाल कर लिया है। इसका जो शेड है ना वो पिंकिश है, येट पीचिश काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा मिक्स वाला शेड है, जो डेली वेयर के लिए अच्छा है, ऑफिस वेयर के लिए भी अच्छा रहेगा, ये पार्टी वेयर बिल्कुल भी नहीं है, डेली एंड ऑफिस वेयर के लिए इट विल बी गुड। नेक्स्ट जो शेड है वो परफेक्ट एथनिक वेयर पार्टी वेयर लिपस्टिक है, जो मैंने रेखा स्टाइल जो लिपस्टिक्स होते हैं ना वैसा मुझे चाहिए था, एंड ये जो लिपस्टिक है द शेड इज 696 बर्गंडी ब्लश, और ये खूबसूरत सा मरून एक कलर है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना डार्क कलर है, एंड ये इतना खूबसूरत लगता है ना, जब कोई भी आप किसी भी आई मेकअप के साथ वेयर कर सकते हैं, एकदम कोई मेकअप की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली इस लिपस्टिक को वेयर कीजिए तो एकदम पार्टी लुक मिल जाता है। ये फेयर टू मीडियम टू डार्क स्किन टोन, सब स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट दो लिपस्टिक्स है, एक लिपस्टिक है फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक्स, और ये मैंने नायका से परचेज किया था, शायद ये 80 रुपीस या 70 रुपीस में मुझे मिल गया था। इतना प्रिटी इसका कलर है ना, आप लोग देख सकते हैं इतना ज्यादा प्रिटी इसका कलर है, बहुत ही ब्राइट एंड प्रिटी है। इनफैक्ट मैं जब हॉस्टल में थी उस टाइम मैंने इसे परचेज किया था, एंड सभी ने उसे लगाया था, सभी की स्किन टोन में ये इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट मेरे स्किन टोन में ना उतना अच्छा नहीं लगता है ये, बट कैमरा में ये काफी खूबसूरत दिखता है, मुझे ओवरऑल इसका जो शेड है वो काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट है ये वाला वेडिंग वाला, शादियों वाला लिपस्टिक, दिस इज दिस ब्लू हेवन लॉन्ग वेयर लिप कलर, ये एकदम मरून काइंड ऑफ कलर है। आई एम नॉट एट ऑल अ फैन ऑफ लिक्विड लिपस्टिक्स, मुझे बुलेट लिपस्टिक्स लगाना भी इजी रहता है, कंफर्टेबल भी फील होता है, तो ये जो लिपस्टिक है ये मेरा फर्स्ट लिक्विड लिपस्टिक था, और इतना घटिया मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये स्मच प्रूफ तो है ही नहीं, बट ये बिल्कुल भी मैट नहीं है, चिपचिपा थोड़ा सा रहता है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको इसे अप्लाई करना है, फिर अपने फिंगर से ब्लेंड कर लेना है, तो इसका जो कलर है वो काफी अच्छा दिखता है। आप इसे इसका जो वॉन्ट है ना उससे अगर आप अप्लाई करेंगे पूरे लिप्स पर तो ये काफी ज्यादा चिपचिपा रहता है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और भी सारे जो मेरे लिप कलेक्शन है वो मैं किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मैं इन सारे लिपस्टिक्स के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। काफी सारे मैंने पर्पल से परचेज किए हैं, काफी सारे मैंने नायका से परचेज किया है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया है, और मुझे एक लिपस्टिक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना था क्योंकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, दैट्स व्हाई। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।